निकले लू घर से बहोरिया। जब से निकले लो घर से बहोरिया, सब डाले ला तो पे नजरिया, सब छुमे लो चाहे उनके गोरे गाले, गोरे गाले अरे गोरे गाले रे। सची कतनु का तो गोरी तोरी चुनरी पे लाल लाल बा, ऐसे का ये गोरी तोरी चुनरी पे लाल लाल बा, रोड पे चले लो सब कटवी सुनी। भगवान भोलेनाथ से माता भवानी ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ मुझे अमर कथा सुननी है। हाँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी आपकी इच्छा है और क्या, तो चलिए एकांत में सुनाते हैं। हाँ। भोलेनाथ एकांत में ले गए क्योंकि अमर कथा जो भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। हाँ। तो भोलेनाथ ने डमरू बजाया। हाँ। डमरू बजाया जीव जंतु भगाऊ, सारे जीव जंतु भाग गए। हम माता भवानी भोलेनाथ माता कथा सुन रही है। भोलेनाथ सुना रहे हैं, जब कोई कथा सुनाता सुनने वाला कहता हूँ सुनेगा तो माता कथा सुन रही थी, होगा दे रही थी, अचानक सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आ गई सुनेगा माँ सोई कथा में जरा है, तभी वहाँ एक तोते का अंडा रखा था, उसमें जीव पड़ गया, बच्चा बाहर निकला, देखा माता सो गई तो कहीं कथा रुक ना जाए इसलिए वो तोता होगा भरने लगा। सुनिएगा माँ सोई कथा में जरा है, तभी तोते ने होगा भरा है। अब तोते की आवाज अलग होगी, पहचान गए भोलेनाथ कौन है। जब जब देखा कि तोते का बच्चा है तो भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया, और जब त्रिशूल उठा लिया तो हे चला सूल सम्मू का साए साए रे, ऐसे का हे चला सूल सम्मू का साए साए रे, तो करके भागा तोता वो जा रहा है भेजे। अब जाएगा तब तक उधर वेद व्यास की पत्नी जी को जो मुहाई आ गई है, तो वहाँ हे लखा एक नारी को मुंह माए रे, कि लखा एक नारी को मुंह माए रे, तो अंदर गया तोता कर टाए टाए रे। शंकर जी पहुंच गए, पहुंच गए, बोले बाहर निकल, नहीं अरे बोले शिव शंभू हम ना जाए रे, हम यही बैठे रहेंगे। बोले हम नारी के पेट में हैं, बोले 9 महीने बाद तो निकले गई। हाँ। 9 महीने बाद तो निकले गई। हाँ। बोले भोलेनाथ तुम गलत फहमी में हो, हम 9 महीने बाद भी नहीं निकलेंगे। हाँ। और विश्वास मानिए 9 महीना नहीं 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, तब देवता घबराने। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि बोले शिव शंभू हम ना जाए रे, तोता भी बोला हम ना आए रे। तब देवताओं के निवेदन पर भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया, बाहर निकला, वो कोई और नहीं स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया। अब दीदी जी ये मत कहना जवाब काट रही है, इसका जोड़ है। और क्या, ये जोड़ है, जवाब नहीं है ना, बस जोड़ा है। और क्या, भगवान भोलेनाथ के आराध्य है राम जी, और राम जी भैया जी राम जी भी एक पक्षी के पीछे पड़ गए। हाँ। जिस समय भैया जी कि सीता चरण चौंचे
सूझे नजरिया, अरे देखे वो कौनो डगरिया, जब भागा वो कागा दाए बाए दाए बाए अरे दाए बाए जब चला तीर रघुवर का साए साए रे। राम जी ने सीख उठाई, तीर बना के छोड़ दिया। हाँ, चैन देने को हुआ आगे आगे, दो अंगुल की दूरी है, सीख पीछे पीछे, तीर पीछे पीछे, तीर पीछे पीछे। तो चला तीर रघुवर का साए साए रे, के भागा कागा वो पाए पाए रे। अब ऐसे कौआ तो काव काव करता है और क्या, लेकिन काए काए जब जान भैया जी जान के लाले पड़े, तीर पीछे लगा तो रो रहा है और क्या। तो काव काव की जगह वो करने लगा का 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 का। बहन जी सभी देवतन के छुबे वो पाए पाए महाराज बजा लो महाराज महाराज सभी देवतन के छुबे वो पाए पाए रे, तो देवता करे अब बाए बाए रे। जाओ भैया हम नहीं बजा पाएंगे, जा। और जब चिड़ियों ने देखा तो हंसने लगी, और ले लो राम की परीक्षा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कौआ कहने लगा यानी जैन कहने लगा, ए चिड़ियो ए चिड़ियो ऐसे ना कर तू चाहे चाहे रे, तो करके भागा कागा वो पाए पाए रे। राज्य सरकार की ये कुछ आशीर्वाद और प्राप्त हुए हैं श्री वैद्यनाथ मौर्य जी नव दुर्गा पूजा समिति से। अभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है और जवाब भी बहुत सुंदर सुना है, गीत भी बहुत सुंदर सुंदर से सुने हैं आप लोगों ने। आइए जैसा कि आदरणीय हमारे उद्घोषक की भूमिका में हमारे भैया का आदेश हुआ है कि समय को देखते हुए चलें, तो आइए बस उसी अनुसार मैं भी अपनी ओर से चल रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि कम समय कुछ लगे। आइए गीत और अन्य गीत आप लोगों ने सुना, पहले तर्ज सुनिए फिर मर्ज सुनिए और फिर मर्ज के अनुसार हमारी ओर से जवाब सुनिएगा। आइए पहले धुन सुनिएगा, बहुत सुंदर सी धुन दी है, जिस अनुसार आदेश हुआ था उसी अनुसार आप लोगों ने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल इस समय बड़े धूम मचाई है ये धुन, कल्पना जी ने गाई है, उसको सुने पहले। आपने गाया है, अरे जब से निकलू तो घर से गुजरी, जब से निकलू तो घर से गुजरिया, ऐसे माले लालू है नजरिया, गोरे लाल कहाँ है। अरे चला तीर रघुवर का साए साए रे, तो चला तीर रघुवर का साए साए रे, तो कौवा भगावे करके काए काए, चला तीर रघुवर का साए साए रे, तो कौवा है भागा चिल्ला के काए काए रे, और उधारी अरे तोता चिल्लाया है टाए टाए रे। बढ़िया बात,
बहुत बढ़िया बात, यानी पक्षी आपने दो लिए हैं। कल्पना जी मैं भी प्रयास कर रही हूँ, अगर तोता बोला है कौवा बोला है तो मैं भी कहाँ से प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या खरगोश भी बोल लेगा। सुनेगा भैया जी, आदरणीय लल्लू भैया जब आपको सुनेगा, निवेदन कर रही हूँ मैं, भगवान कन्हैया लाल छोटे से हैं और बैठे हैं अपने आंगन में, आंगन में बैठे हैं, माखन मिश्री रोटी घी लगा के खा रहे हैं, खा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है भैया जी, जवाब है अगर उधारे कागा बोला है तोता बोला है तो इधर भी कुछ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास देखिएगा मेरी ओर से, आदरणीय जी निवेदन है। अरे खाते माखन व रोटी मुरादी, रोटी मुरारे और अरे काग आया वहां मन मुरारी, कौवा आया और भगवान के हाथ से वो रोटी लेकर उड़ गया, और जब उड़ गया तो अरे मोहन वो माता के ढिंग आए रे, ढिंग आए रे, अरे ढिंग आए रे, ढिंग माने पास, यानी पास कन्हैया लाल रोने लगे कि मैया मेरी रोटी वो कौवा ले गया, कौवा ले गया तो कहना पड़ा। अरे कागा चिल्लाने लगा काय काय, काग के भाग बड़े सजनी प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी भैया। अरे कागा चिल्लाने लगा काय काय रे, तभी अरे कानी काना चिल्लाने लगे माई माई रे, अरे माँ माँ ये माँ ये, बस इशारा किया तब जब वो कौवा भगवान के हाथ से रोटी लेके उड़ गया। अरे मोहन वो माता के ढिंग जाए रे, काना चिल्लाने काका चिल्लाने लगा ताए ताए रे, आपने पहली बात ली है कागा चिल्लाने लगा काहे काहे रे, तो इधर भगवान के हाथ से रोटी लेकर भगा वो कागा, वो चिल्ला रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, कलयुग में मिली है चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। भैया 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 सलीम भैया, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर, जवाब सुनिएगा, कौवा भी काए काए काए, तोता भी काए काए, तो जवाब में मुझको भी कुछ लाना है, और तो हमको भी तो काए काए करना है, हमको भी तो काए काए करना है, इनको हिला दे जरा भैया। अवधेश भैया हाँ इधर ही टाए टाए कर रही हूँ। अब देखिए दूसरी जगह, पहले कौवा चिल्लाया काए काए, अब दूसरी जगह देखिए कहाँ से मैं क्या ला रही हूँ। मैंने बताया तुलसीदास जी बैठे हैं चित्रकूट में घाट पर, इंतजार कर रहे हैं ना जाने कब प्रभु मेरे आएंगे, आ भी गए लेकिन पहचान नहीं पाए। दादाजी अच्छा पहचान नहीं पाए तो मेरी पंक्ति कहती है भैया जी, कवि तुलसी के मन की कहानी, अरे कवि तुलसी के मन की कहानी, और अरे तोता कहता है अपनी जुबान, कवि तुलसी के मन की कहानी, और तोता कहता है अपनी जुबानी, तो
तुलसीदास को इशारे में बता रहे हैं और कहने लगे, अरे घाट पे है जब देखो राम आए, राम आए, अरे राम आए। राम आ गए, तुलसीदास जी जा नहीं पाए। कैसे जाने भैया जी? अरे तोता चिल्लाने लगा काए काए। जब चले जा रहे हैं, जब चले जा रहे हैं, तोते ने इशारा किया, हाथ जा रहे हैं। अरे वो तोता और कोई नहीं, बाबा बजरंगबली हैं। तो कहने लगा, अरे तोता चिल्लाने लगा काए काए, अरे तोता चिल्लाने लगा काए काए, और तुलसी का भाग तब जाग जाए रे। अरे तोता चिल्लाने लगा काए काए रे, तुलसी का भाग तब जाए रे। एक बार जो आपने बताया, आपने राम की बात की, मैंने श्याम की बात की, कन्हैया लाल के हाथ से रोटी लेके गए, तो उधर कौवा चिल्लाने लगा काए काए, तो कन्हैया चिल्लाने लगे माए माए आइए।